बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम पेज 41 पे हैं, यूनिट 4 के, और इसमें है राइटिंग। आपने राइटिंग करनी है। रीड द स्टेप्स एंड राइट नंबर्स इन द बॉक्सेस टू शो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेकिंग लेमनेड। अब यहाँ पे हम ये लेमनेड बना रहे हैं, लेकिन इसके स्टेप्स यहाँ पे उल्टे दिए हुए हैं। आपने उसको ऑर्डर इसकी ठीक करनी है, ठीक है, करेक्ट ऑर्डर से लिखना है। तो सबसे पहले हम जब बनाते हैं तो क्या करते हैं, पहले एड वन ये नहीं है, ये है फर्स्ट स्टेप जो है वो ये है, टेक अ ग्लास ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर। तो हमारा जो पहला स्टेप है वो ये है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वन, फर्स्ट ये वाला स्टेप है, ठीक है। टेक अ ग्लास ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, एड वन टेबल स्पून ऑफ शुगर एंड अ पिंच ऑफ सॉल्ट इन इट। तो ये इसका जो नंबर टू स्टेप है, एड वन टेबल स्पून ऑफ शुगर एंड अ पिंच ऑफ सॉल्ट इन इट, एड थ्री आइस क्यूब्स इन इट एंड मिक्स वेल, स्क्वीज अ लेमन इन द ग्लास ऑफ वाटर। ये नंबर थ्री ये होगा, और नंबर फोर ये इसका सही ऑर्डर ये है, वन टू थ्री फोर, स्क्वीज अ लेमन इन द ग्लास ऑफ वाटर, और फिर उसमें लेमन को नींबू को निचोड़ ले, ठीक है। नाउ राइट द स्टेप बिलो इन द करेक्ट ऑर्डर टू शो द सीक्वेंस। अब हमने इसका सीक्वेंस ठीक कर लिया, तो हम उसको अभी करेक्ट ऑर्डर में करेंगे। तो हमारा पहला स्टेप क्या था, ये है, तो हम नंबर वन में ये लिखेंगे, टेक अ ग्लास ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर, टेक अ ग्लास ऑफ वाटर मैं छोटा छोटा लिखूंगी ताकि इसमें पूरा हो जाए, एट रूम टेम्परेचर यहाँ पे नहीं आ रहा, तो आपने ये लगा के हाइफन लगा के यहाँ पे इसको पूरा करें, एट रूम टेम्परेचर। अब सेकंड स्टेप हमारा क्या है, ये सेकंड स्टेप होगा, एड वन टेबल स्पून वो स्पून होता है जिससे हम चावल खाते हैं, वो बड़ा जो चम्मच होता है, शुगर एंड अ पिंच, पिंच का मतलब है चुटकी, और पिंच सॉल्ट अक्सर लोग चम्मच से नहीं डालते, हाथ से डालते हैं, तो उसको कहते हैं चुटकी, एक चुटकी नमक इन इट। अब तीसरा स्टेप हमारा हो गया, स्क्वीज अ लेमन इन द ग्लास ऑफ वाटर, स्क्वीज अ लेमन इन द ग्लास ऑफ वाटर। और लास्ट जो है स्टेप वो है आइस क्यूब डालना, आइस जो क्यूब्स होते हैं वो बॉक्सेस में जब बनाते हैं उसको कहते हैं आइस क्यूब्स, आइस क्यूब्स इन इट एंड मिक्स वेल, ठीक है। तो असल सीक्वेंस ये है।